बताता हूँ। एक प्रश्न ही बचा हुआ यहाँ कि मृत्यु से भय क्यों लगता है। इस कागज़ पर एक आखिरी सवाल है कि मृत्यु से भय क्यों लगता है। इसका उत्तर यह है कि मृत्यु से भय इसलिए लगता है, उसका कारण है अविद्या। क्या कारण? अविद्या। क्या अविद्या? व्यक्ति शरीर को ही मैं समझता है, शरीर को ही आत्मा समझता है, ये अविद्या है। शरीर और आत्मा एक वस्तु है या दो अलग अलग चीज़ें हैं? अलग है ना। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा उत्पन्न नहीं होता। शरीर मरता है, आत्मा मरता नहीं है। शरीर में परिवर्तन आता है, विकृतियाँ आती हैं, रोग वियोग होते हैं, और आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई विकृति नहीं आती। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु अविद्या के कारण व्यक्ति शरीर को ही आत्मा समझता है, शरीर को ही मैं समझता है। तो जब वो इस अविद्या में आ जाता है तो शरीर तो मरेगा। कितनी बार हम रोज़ देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं। तो व्यक्ति इस अविद्या के कारण ये सोचता है कि शरीर तो मरेगा और शरीर ही मैं हूँ, इसलिए उसको मरने से डर लगता है। और जिसको तत्वज्ञान हो जाता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, उसको कोई डर नहीं लगता। वो क्या सोचता है कि लाखों बार तो मर लिए, एक बार और मर लेंगे, क्या मुसीबत आ रही। तो उसे दर्द भी नहीं होता जारी? दर्द तो होता है थोड़ा बहुत, जैसे हाथ कट गया। हाँ, दर्द होगा, दर्द तो होगा, क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध है। जब तक संबंध है तब तक दर्द होगा, थोड़ा कम होगा, ये हो सकता है उसको दर्द थोड़ा कम होगा, आम आदमी को ज़्यादा होगा। वो तत्व ज्ञान के कारण उसको दर्द कम होगा, और दूसरे को अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, उसको ज़्यादा होगा, इतना फर्क तो रहेगा। लेकिन जब तक शरीर से संबंध है तब तक दर्द तो होगा, लेकिन वो डरेगा नहीं, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। अभी 6 महीना पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, हार्ट का बाईपास हुआ। तो बाईपास तो छोटा ऑपरेशन नहीं होता ना, बड़ा होता ना, तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। 2-2 साल तक तो टालते रहते हैं कि देखेंगे, उनको डर लगता है कहीं मर जाएंगे। अब मुझे कोई डर नहीं लगा। ये बैठे प्रेश जी, अच्छा जी, 2 महीना मेरे साथ ही थे, बोलो जी, मुझे डर लगा क्या? कोई टेंशन थी क्या? मुझसे कोई टेंशन नहीं थी, मुझसे ज़्यादा टेंशन तो डॉक्टरों को थी। ये 2 महीना पूरा मेरे साथ रहे, उन्होंने पूरी सेवा की इन्होंने, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छी सेवा की। 24 घंटा मेरे साथ रहते थे चेन्नई में, वहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया। 13 फरवरी को मेरा ऑपरेशन था सुबह 8 बजे, और 12 फरवरी को रात को 8 बजे एक व्यक्ति आया अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल में, और कहने लगा, गुरुजी ये मेरी माँ को बहुत टेंशन है, थोड़ा इसको उपदेश कर दो। मुझे ऑपरेशन कल होने वाला है, और वो लेके आया अपनी माँ को कि मेरी माँ को बहुत टेंशन है, थोड़ा उपदेश कर दो। तो मैंने उसको उपदेश किया, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तब तक भी कोई टेंशन नहीं थी। इन्होंने पूछा, गुरुजी क्या होगा? मैंने कहा, 2 बातें होंगी, या तो मरेंगे या तो जिएंगे। 2 बातें होंगी और क्या होगा। मर गए तो दोबारा जन्म लेंगे, फिर सेवा करेंगे, और अगर बच गए तो फिर सेवा तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। हैं, दुखी काहे को होना, टेंशन काहे की, क्या पहली बार मरेंगे? बोलो जी, अगर मर गए तो क्या पहली बार मरेंगे? पहले लाखों बार मर चुके, एक बार और मर लेंगे, क्या मुसीबत आ रही, कोई नई बात थोड़ी है। तो तत्व ज्ञान में इतनी ताकत होती है, उसको डर नहीं लगता। जी, क्या मृत्यु की भी मृत्यु होती है? होती है, ऐसे होती है जैसे मैं बता रहा हूँ। जब व्यक्ति को मरने से डर नहीं लगता, क्या बोला? मौत सबको डराती है, हाँ या ना? मौत जो है वो सबको डराती है, और एक व्यक्ति को नहीं डरा रही, मतलब मौत उससे डर गई, वो नहीं डरा, मौत उससे डर गई, तो मौत की मौत हो गई। मृत्यु की मृत्यु यही होती है, जो नहीं डरता है उसके सामने मृत्यु भी मर जाती है। तो मैं तो डरा नहीं, ये साक्षी बैठे हैं, पूछ लो इनसे, ये साक्षी हमारे, हाँ हमने मृत्यु को मार डाला, हमें डर नहीं लगता है। वेद में लिखा है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मपाघ्नत, लिखा है ना, यहाँ भी लिखा होगा, ये लिखा सामने, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत।
ब्रह्मचर्य की तपस्या से, वेदों की विद्या से, योगाभ्यास से, वैराग्य से देवताओं ने मृत्यु को मार डाला, मृत्यु को मार डाला, मृत्यु को जीत लिया, मरने से नहीं डरते थे। तो जिसको तत्व ज्ञान होता है वो डरता नहीं है, तो हमें तो जरा भी डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, एक भी टेंशन नहीं। डॉक्टर साहब ने बोला, जो जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा गुरुजी कोई छाती में दर्द होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता। कोई सांस लेने में तकलीफ? मैंने कहा कुछ नहीं। कोई और तकलीफ? कुछ नहीं। कोई टेंशन? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले आपको टेंशन नहीं है, आपसे ज़्यादा हमको टेंशन, बोला था ना ये उस सर्जन डॉक्टर ने बोला जिसने मेरा ऑपरेशन किया, बोला आपको टेंशन नहीं है, आपसे ज़्यादा तो हमको टेंशन। तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। ये चमत्कार है इस तत्व ज्ञान का। ठीक है जी, की बात है, हाँ तो वो जानते थे ना कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शरीर को मार सकते हैं और हम आत्मा हैं। उनके अंदर इस ज्ञान का बीज था, इसलिए वो डरते नहीं थे। और उन पर बहुत अत्याचार हुए तो भी घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं, कोई शोर नहीं मचाया। ठीक है, कोई बात नहीं, देश के लिए, धर्म के लिए शहीद होंगे। तो ये तत्व ज्ञान की शक्ति है। सत्यार प्रकाश दीजिए। तो श्री धर्मदेव जी ने प्रश्न उठाया कि जीवात्मा